हेलो एवरीवन, मैं मनोज चौहान आज आपके बीच में एक लाइफ बूस्टर स्टोरी को लेकर आया हूँ जो बहुत बड़ी सीख देती है आपको। एक बार एक बच्चा जो था पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा था, क्योंकि टॉप पे उसके फादर बैठे हुए थे। लेकिन जब वो पहाड़ पे चढ़ रहा था तो 2-3 बार उसका पैर स्लिप हुआ और उसके मुँह से चीख निकली। जब उसकी चीख निकली तो क्या हुआ, पूरा जो अराउंड में आवाज़ जो गूंजती है वो उसके पास आवाज़ आई। तो उसको लगा शायद मैं यहाँ पर गिर रहा हूँ तो कोई और बच्चा दूसरी तरफ पर गिर रहा है। जब वो टॉप पर पूछा तो उसने अपने पापा से बोला, पापा पापा मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो रही है, मुझे लग रहा है वहाँ पर भी कोई बच्चा गिर रहा है। कहता है तुम्हें कैसे देखा, वो तो काफ़ी दूर है। कहता देखा नहीं, लेकिन जब मैं गिरा तो जैसे मेरी चीख निकली वैसी वहाँ से भी चीख निकली। तो फादर को समझ में आ गया कि सारा इको का खेल है। तो उन्होंने अपने बच्चे को बुलाया और उन्होंने को काफ़ी ज़ोर से चीखने के लिए बोला, बेटा बोलो कि आई एम अ लूज़र। वो चिल्लाया आई एम अ लूज़र, आवाज़ सराउंडिंग वापसी आती है आई एम अ लूज़र। उन्होंने बोला बेटा बोलो आई एम अ विनर। जब उन्होंने बोला आई एम अ विनर तो आवाज़ सराउंडिंग वापस आती है आई एम अ विनर। तो अपने पापा से उसने पूछा, पापा ये क्या है? तो उन्होंने एक बात बोली, दैट इज़ अ लॉ ऑफ नेचर। आप नेचर को जो देते हैं नेचर आपको वही रिवर्ट बैक देता है। तो इसलिए अगर आप जो भी अच्छी चीज़ लेना चाहते हैं तो वो देना चालू कर दीजिए। आप नेचर को जो देंगे नेचर आपको वही चीज़ वापसी करेगी। ये छोटी सी स्टोरी हमें ये सिखाती है कि अगर आप जो अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले उसके लिए माइंड सेट कर लीजिए और लोगों के साथ वैसा करना चालू कर दीजिए। आपको बदले में वही मिलने वाला है जो आप लोगों को देंगे। सो थैंक्स अ लॉट एंड ऑलवेज रिमेंबर ओनली वन थिंग, लाइफ इज योर्स, टाइम इज योर्स एंड चॉइस इज योर्स। थैंक्स अ लॉट।